नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां कर्नलगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम परसा गोंडरी में किसानों की जमीन अधिग्रहण और किसानों को उचित मुआवजा न दिए जाने के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल बैजनाथ दुबे और पूर्व प्रधान परसा गोंडरी नंदकिशोर ओझा के नेतृत्व में पीड़ित किसानों से मिला, जिसमें पूर्व मंत्री तेज नारायण पवन पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह, पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह, बाराबांकी सदर विधायक सुरेश यादव जी, पूर्व मंत्री शिव प्रताप यादव जी, पूर्व गोंडा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष तथा निवर्तमान विधान परिषद सदस्य महफूज खान, पूर्व विधायिका नंदिता शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी जिला महासचिव श्री राजेश दीक्षित जी और हजारों संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता पहुंचे, किसानों और पीड़ितों की बात को सुना तथा इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को एक नई दिशा दी। प्रतिनिधिमंडल किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी गोंडा को ज्ञापन भी दिया गया और कहा गया कि यदि किसानों की जमीन का मुआवजा नई सर्किट रेट के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है तो समाजवादी पार्टी इसके लिए आगे लड़ाई लड़ेगी। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए मध्यांचल ब्यूरो अमरेश प्रजापति की एक खास रिपोर्ट।